चान्हो थाना अंतर्गत 25 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची को मिली गुप्त सूचना के आधार पर दो व्यक्तियों को अवैध हथियार लेकर मोटरसाइकिल से भागने के क्रम में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि दोनों व्यक्तियों को ग्राम चौराहा के पास वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, जिसमें तलाशी के बाद बबलू सिंह के पास से एक लोडेड कार्बाइन जैसा हथियार और एक जिंदा गोली बरामद किया गया है। अभियुक्त बबलू सिंह से पूछताछ करने पर पता चला कि वह दोनों खलारी जा रहे थे और किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की मंशा बना रहे थे। गिरफ्तार युवक कृष्णा महतो पूर्व में रांची एवं सरायकेला जिला से मोटरसाइकिल चोरी के केस और बबलू सिंह नाबालिग लड़की से अपहरण कांड में चान्हो थाना के जेल भी जा चुका है, जहां दोनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये किस तरह के अपराध करनी है, क्या कुछ बरामद करेंगे? PLFI एरिया कमांडर कृष्णा यादव के जेल से फरार होने के बाद, बल्कि थाना कह सकते हैं, बलुमा थाना से फरार होने के बाद उस एरिया में खिलाड़ी चान्हो कुरमू वाला कैच में हमेशा DSP साहब के नेतृत्व में छापामारी होती रही। खिलाड़ी DSP अनिमेश मथानी है यहाँ पे, इनके नेतृत्व में कल ही एक सूचना प्राप्त हुई कि कृष्णा करके अपराधकर्मी कार्बाइन के साथ कहीं बड़ी घटना का अंजाम देने के लिए जा रहा। तो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं थाना प्रभारी विवेक जी के नेतृत्व में DSP साहब ने टीम को फ्रेम किया था। चोरिया मोड़ के पास गाड़ी की चेकिंग शुरू की है हम लोग, वहीं पर पुलिस वालों को देखकर बाइक पर सवार दो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यंग हमारे अफसर हैं जो 18 बैच के लोग हैं और पुलिसकर्मी भी हैं, उन लोगों ने जंगल में खदेड़ कर इनको पकड़ा और पकड़ कर जब तलाशी ली चुके, जब चेकिंग चल रहा था काफ़ी ग्रामीण लोग भी वहाँ उपस्थित हो गए, तो उनके समक्ष ही ये चेकिंग जब हुआ जब्ती हुई तो उनके पास से ये देख रहे हैं देसी कार्बाइन 7.625 का और जिंदा कारतूस मिला। दो लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है, बबलू सिंह और कृष्णा महतो जो चानों के ही रहने वाले हैं, जो पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। तहकीकात के क्रम में आया कि कृष्णा यादव नहीं था बल्कि कृष्णा महतो करके आदमी है जो पकड़े गए। अभी भी उनके विरुद्ध में जो कार्रवाई हम लोगों को चल रही है वो बाकी नहीं और तेज की जाएगी जब तक कि वो पुलिस के गिरफ्त में आ नहीं जाए। ये PLFI से जुड़े हुए लोग, मैं तहकीकात कर रहा हूँ कि उनसे कितना इनका लिंक है। ये मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि PLFI से कनेक्टेड हैं या TPC के से कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये सब जो असलहा जो देख रहे हैं जैसी कार्रवाई, ये आम आदमी आम क्रिमिनल हाथ में रख नहीं सकता है। ये स्पेशल मेक ये आर्म्स बना हुआ है जैसी है और ये कारगर बिल्कुल हम कह सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिव देखने में लगता है, तो इसलिए उनका कितना संलिप्तता है उस पॉइंट बिंदु पर हम लोग जांच करके अनुसंधान के बाद ही बात सामने खुल गया। न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। ग्रीन इज अ स्मॉल प्लेस एंड वी हैव लाइक वेरी लेस फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ यू नो एजुकेशन एंड दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट केम टू आर माइंड दैट बेसिकली देर शुड बी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ गिरिडीह, दोज हु आर लीविंग द टाउन एंड गोइंग आउटसाइड फॉर यू नो स्टडीज, देयर हायर स्टडीज एंड देयर एजुकेशन। आई वॉन्टेड माई सन टू स्टार्ट विद द कोडिंग क्लासेस, सो आई रिसर्च इट ऑनलाइन, आई गॉट थ्रू ऑल द रिव्यूज एंड एवरीथिंग, देन आई गॉट इन टच विद व्हाइट हैट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद द प्रोग्रेस एंड ऑल हाउ ही वॉज डूइंग। So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, you know, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, you know, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.